हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है तरुण मलिक और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं अपनी लाइफ की पहली गाड़ी खरीदने वाला हूं, क्योंकि आज तक मैंने एक बाइक भी नहीं खरीदी है और फिलहाल मैं एक गाड़ी खरीदने वाला हूं। तो फिलहाल आज की वीडियो में आपको अपनी जर्नी दिखाऊंगा गाड़ी खरीदने की। फिलहाल मैं एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीद रहा हूं, नई नहीं खरीद रहा हूं, लेकिन अभी मैं हूं दिल्ली के क्राउन प्लाजा होटल पे। मेरे पीछे आपको एक क्राउन प्लाजा का होटल दिख रहा होगा, मयूर विहार में जो है। यहाँ से मैं बस पकड़ के जाने वाला हूँ उत्तराखंड में और वहाँ से मैं अपनी सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने वाला हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में आपको पूरी अपनी गाड़ी खरीदने की जर्नी दिखाऊंगा और शुरू करते हैं अपनी उत्तराखंड की जर्नी और बाकी की वीडियो में आपको दिखाता हूँ। अभी मैं क्राउन प्लाजा होटल के पास में हूँ। मयूर विहार का क्राउन प्लाजा होटल है और यहीं पे नीचे इसकी पार्किंग में ये आर एस यादव की बस है जो कि यहाँ से उत्तराखंड के लिए चलती है। फिलहाल रात के देखो 10:15 हो रहे हैं और मेरी रात के 10:15 हो रहे हैं। आज 3 अगस्त की तारीख है और फिलहाल यहाँ से मेरी बस है 11 की जो कि मुझे उत्तराखंड के लेके जाएगी और वहाँ से मैं गाड़ी परचेज करूँगा। तो फिलहाल चलते हैं दिल्ली से उत्तराखंड और वहाँ जाके अपनी सबसे पहली गाड़ी परचेज करते हैं और पूरा एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊँगा। चलते हैं अपनी बस के अंदर और पहले बस दिखाता हूँ आपकी दिल्ली से उत्तराखंड की बस कैसी मिलती है यहाँ पे। तो ये है हमारी बस rsyadavbus.com की जो कि मयूर विहार के पास से हमें मिली है। इसके अंदर स्लीपिंग सीट हमने बुक करवाई है तो स्लीपिंग सीट दिखाता हूँ मैं कैसी है। तो ये है अपनी बस rsyadav की हरे वाली। पहले मैंने सोचा वो वाली थी पर ये वाली जाएगी। इसमें अंदर चल के सीट दिखाता हूँ, देखो कैसी है। भाई साहब ये देखो अपनी बस बुक कर ली हमने, डॉक्टर साहब भी अपने साथ जा रहे हैं। अरे देखो क्या कंफर्टेबल डबल बेड है अपना। अरे कुछ बस है अपनी भाई ये मेरा कैबिन है और ये मैनेजर साहब। भाई हम थोड़े से गरीब है, हमने दोनों भाई साहब पर्सनल ले रहे हैं अपना कैबिन। अब इसमें लेट के चलेंगे। तो ये देखो 233 किलोमीटर का रास्ता है, 4 घंटे 6 मिनट दिखा रहा है। रात के 3 बजे हम पहुंच जाएंगे गूगल मैप के हिसाब से और बस के हिसाब से 4 बजे पहुंचेंगे। तो सब अपनी अपनी सीट पर सेट हो गए और अब 4-5 घंटे की नींद लेते हैं। हेलो भैया, पानी मिल गया है एक बंदे को। एक दिव्य जल, पतंजलि का दिव्य जल मिला। एक आ गया लाहौरी जीरा भी आ गया भाई साहब। मेरे आएगा दिक्कत से मजा आता। अब आ गया लाहौरी जीरा और एक पतंजलि का दिव्य जल। भाई 15-20 रुपए तो ना ये छूट करवा दी। दिव्य जल और लाहौरी जीरा मिल गया। तो भाई साहब ये देखो हमारी बस चली गई, हम पहुंच गए रुद्रपुर में। अब चलते सीधे गाड़ी वाले के पास। डॉक्टर साहब भी अपने यहीं आ गए। ये है मुख्य डाकघर रुद्रपुर उत्तराखंड। तो रात के 11 चले थे और सुबह के 7:30 हम पहुंच गए रुद्रपुर। अब यहाँ से अपने गाड़ी वाले के पास चल रहे सीधे जहाँ पे हमारा गाड़ी वाला मिलेगा। लब टेम्पो में बैठ कर जा रहे गाड़ी वाले के पास। भाई देखो गाड़ी ले ली हमने डस्टर। फिलहाल देशवाल साहब इसको चला रहे हैं, ये गवा बैठा पीछे। तभी इस गाड़ी को कहीं रोक के इसके पूरा ओवरव्यू दिखा दे आपको। जब तक दावत नहीं मिलेगी अभी कहीं गाड़ी को रोक के फिर इसकी गाड़ी का ओवरव्यू दिखाते हैं। अब देखो इसमें कैमरा वैमरा सब कुछ है, लाइट फाइट है, पूरी डिटेल दिखाता हूँ आपको कैसी गाड़ी है। भाई साहब देखो हमारी गाड़ी का पहला टोल कटने वाला है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब देखो पहला टोल कितने रुपए कटेगा इसका। एसबीआई का फास्ट टैग बनवा दिया इसका। अंकुर भाई ने ब्रेक नहीं है के दसा मैं तेनू, तू मेनू भुले ना कर दे, मैं ना भुला तेनू। भाई दावत भी देरी कटी, कोई बात नहीं, का दावत नहीं दी का दे दी। देखो खान लग रहा है। चलो भाई चलो, भर गया पेट। चलो मायने में मिठू खोल लेता खाने में दे तो रे भाई साहब लूट लेते मुझे भी तन्नू। भाई साहब गोप्रो में वीडियो देखो कितनी मस्त आ रही है, डस्टर में हमने गोप्रो लगा रखा है अपना। तो भाई साहब हमारी गाड़ी का टोल नंबर 2 आ गया, देखो कितने टोल पार कर देगी आज गाड़ी। ये है नेशनल हाईवे NH9 का टोल नंबर 2 और यहाँ कटेगा 55 रुपए बस, मात्र 55 रुपए।
और फास्टैग लग गया अपने SBI का और GoPro यहाँ लग रहा है, और अपने देश वाले साहब गाड़ी चला रहे हैं, डॉक्टर साहब पीछे बैठे हैं और मैं साइड में बैठा हूँ। तो फिलहाल टोल नंबर 2, अब हम रामपुर पहुँचने वाले हैं। ये है कोयला फी प्लाजा। नेक्स्ट पेट्रोल पंप आएगा वहाँ पे हम इसका टैंक फुल करवा लेंगे और देखेंगे कितने लीटर की इसकी टंकी है अभी। तो चलते हैं अभी किसी पेट्रोल पंप पे, फिलहाल हम अभी रामपुर से निकले हैं। तो अभी हमने अपनी गाड़ी में लाइट आने के बाद इसकी ट्रिप मीटर 0 कर दिया था। अब देखते हैं भारत पेट्रोल पंप पे आए हम और यहाँ पे देखते हैं कितना इस गाड़ी में पेट्रोल आएगा। इस गाड़ी का जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो 50 लीटर की है, अब देखते हैं कितना डीजल इसमें आएगा। फिलहाल यहाँ पे टैंक फुल करवाते इस गाड़ी का सबसे पहले। भाई साहब पेट्रोल पंप पे आ गए, पेट्रोल डीजल भरवाने। भाई पूरी टंकी भर दो, देखो कितना होगा इसमें। बंद कर दो भाई। बस हो गया, कितना होगा? 4400 का करते पूरा। हो गया इसमें आ गया 4455 रुपये का डीजल पूरा। अब फिलहाल यहाँ से डीजल फुल करवा के मुरादाबाद से, अब देखेंगे कब दोबारा से इसका डीजल खाली होगा। तो भाई साहब गाड़ी की टंकी खाली हो गई थी, 49 लीटर इसमें पेट्रोल आ गया। अब 49 लीटर डीजल आ गया इसमें, अब देखते हैं कितने किलोमीटर ही चलेगी। हमने ट्रिप में 0 कर दिया था इसका। फिलहाल यहाँ पे इसमें हवा डलवा लेते हैं। फिलहाल ये मुरादाबाद का कोई भारत पेट्रोल का पेट्रोल पंप है और 4545 रुपये में ये गाड़ी की टंकी फुल हो गई। अब यहाँ पे हवा डलवाते हैं, चल छोटू हवा डाल। तो फिलहाल हम पेट्रोल भरवा के निकल चुके हैं और गाड़ी की टंकी फुल हो गई 4455 रुपये, मतलब 49 लीटर इसमें डीजल आया है तो 50 लीटर की इसकी टंकी होती है, थोड़ा बहुत 1-2 लीटर रिजर्व होता होगा। तो अब हमारी गाड़ी कम से कम 20 का भी एवरेज देगी, तो टैंक फुल करवा के कितनी चलेगी वो हम देखेंगे। अभी मुरादाबाद से निकले हैं, फिलहाल अभी हमें और कितना जाना है अभी दिखा दूंगा आपको। देखो इसमें गूगल मैप भी चल रहा है बढ़िया, तो भूख लग रही है। अभी 2 घंटे 56 मिनट का रास्ता और बचा है हमारा नोएडा तक का। तो फिलहाल अभी रास्ते में कहीं शिवा ढाबा मिलेगा तो वहाँ पे रुक के खाना खाएंगे, लंच करेंगे और फिर आगे चलेंगे। तो पूरी जर्नी चलते रहते हैं, अभी देखते हैं क्या मस्त होगा। फिलहाल अभी हम मुरादाबाद से निकल रहे हैं, 2.5 घंटे हो गए हमें अभी चले हुए। बीच में हमने पेट्रोल डलवा लिया, थोड़ा सा हमने सब्वे पे ब्रेकफास्ट कर लिया था, अब खाना खाने का टाइम होने वाला है। तो अभी हम रास्ते में ना कहीं किसी ढाबे पे रुकेंगे जहाँ पे हम दाल रोटी या कुछ बढ़िया हैवी खाना खाएंगे, लंच करेंगे। तो फिलहाल देश वाले साहब को लग रही है बहुत तेज भूख, डॉक्टर साहब को आ रही है पीछे नींद। जो भी मिलेगा बस बढ़िया जगह कहीं भी ढाबे पे रुक जाए और वहाँ रुक के भी खाना खाएंगे और फिर उसके बाद बाकी की अपनी 2 घंटे की जर्नी और बची वापस अपने नोएडा जाने की। तो 2 घंटे की जर्नी वो पूरी करेंगे और फिर चलेंगे आगे की जगह। अभी फिलहाल कहीं जहाँ भी ढाबे पे रुकते हैं तो वहीं दिखाते हैं आपको कैसा कैसा ढाबा है, क्या वहाँ खाने पीने के लिए है, तो वो सब कुछ दिखाएंगे। आप गाने का एंजॉय करो, रोड की सिनेमेटिक व्यू लो और हम चलते हैं सीधे ढाबे पे। आगे चलिए भाई, भाई दावत होगी तेरी बाद में ना कहिए भाई। तो ये है कुछ अपनी गाड़ी, डस्टर देखो बाहर से ऐसी है, मैं चारों तरफ से दिखा देता हूँ और आपको अंदर से भी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। इसका नंबर है देखो 0004। चारों तरफ से कुछ इसकी ऐसी कंडीशन है और अभी मैं दिखाता हूँ आपको इसको अंदर से कैसी दिखती है ये। तो ये कुछ इसकी डिग्गी है, देखो कितनी बड़ी डिग्गी है और डिग्गी में भी स्टोरेज इसका बहुत ज़्यादा है, काफ़ी बड़ी डिग्गी है। और डिग्गी के बाद भी गाड़ी के अंदर भी काफ़ी स्टोरेज है, देखो सामने का डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिख रहा है इसका। तो फिलहाल अंदर बैठो सीट पे और सीट से दिखा दूँ कैसी है। तो फिलहाल ऐसा कुछ इसका देखो डैशबोर्ड दिख रहा है, काफ़ी साफ सुथरी डैशबोर्ड है इसकी और इसके अंदर डिस्प्ले भी लगी हुई है और 1,00,000 किलोमीटर के आसपास ये चली हुई है। 99,000 पे मैंने ली थी, अभी 1,000-2,000 किलोमीटर ही चल गई है। इसका मैनुअल गियर है, 6 गियर की इसका गियर बॉक्स है, देखो 6 गियर इसके अंदर आते हैं। और यहाँ पे मिरर एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे AC के कंट्रोल्स हैं और ये AC के सारे कंट्रोल्स हैं, ये पार्किंग बल्ब है, ये डिस्प्ले लगी हुई है और ये कुछ AC वेंट है। अभी मैं आपको इग्निशन ऑन करके दिखाता हूँ इसका, देखो एक सेल्फ मारते स्टार्ट हो गई, एक सेल्फ में मस्त स्टार्ट हो जाती है। और अभी मैं इसका किलोमीटर दिखाता हूँ आपको, देखो 1,01,000 किलोमीटर ये चल चुकी है गाड़ी, लेकिन जब मैंने इसको लिया था तो ये 99,000 किलोमीटर चली हुई थी, तो उसके बाद मैंने 1,00,000 पूरे करे हैं। और फिलहाल ये एवरेज दे रही है 14 किलोमीटर प्रति लीटर का, जिसके अंदर ये 748 किलोमीटर की ट्रिप चल चुकी है। तो फिलहाल ऐसी कुछ है ये डस्टर गाड़ी, देखो इसके अंदर डिस्प्ले भी है जिसके अंदर आपको पूरा एंड्रॉयड सिस्टम मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऐप खोल देता हूँ, तो सारी ऐप इसके अंदर आपको गाना क्रोम वगैरह स्पॉटिफाई यूट्यूब सब चलेगा इसके अंदर। और बैक कैमरा भी है और ऐसे कुछ इसके अंदर लेदर के सीट कवर्स भी लगे हुए हैं और पीछे की साइड में भी आपको एक AC वेंट इसके अंदर मिल जाएगा। तो फिलहाल देखो सीट भी कितनी कंफर्टेबल है, इसकी सीट भी है और सारी विंडोज में पावर विंडो आपको मिलेगी।
और यहाँ पे सिंपल वही वैनिटी मिरर, इधर नहीं है पैसेंजर की साइड वैनिटी मिरर है, और अंदर से देखो बैक सीट भी इसकी काफी साफ सुथरी बैक सीट दिखती है, और ये कुछ सोफा सीट है। तो फिलहाल ये गाड़ी तो मैंने आपको सारी दिखा दी है अंदर बाहर से, अभी मैं इसके अंदर क्या करवाने वाला हूँ, मुझे इसको कैंपिंग व्हीकल बनाना है, तो आगे की दोनों सीट तो मैं इसकी यूज करूंगा, और बाकी पीछे की मैं इसकी ये जो सीट दिख रही है आपको, पीछे की जो ये सीट दिख रही है ये वाली सीट रिमूव कर दूंगा, और पीछे डिग्गी और ये वाली सीट का स्पेस, तो ये वाली सीट का स्पेस का मैं बनाऊंगा इसके अंदर एक बेड, मतलब ये वाली सीट निकलवा के पीछे एक प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, उसके ऊपर गद्दा लगाऊंगा, उसके नीचे स्टोरेज बनाऊंगा, तो वो सब मैं इस गाड़ी के साथ करने वाला हूँ, जो कि आप अगली आने वाली वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल इस गाड़ी का ओवरव्यू इतना ही था। ये डस्टर है 2012 मॉडल, जो कि 110 पीएस के अंदर आती है, और इसका एवरेज डीजल के अंदर 14-15 किलोमीटर प्रति लीटर का आ रहा है फिलहाल। तो फिलहाल इस वीडियो को इतने रखते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।